बहुत सारी खुशी भी है कि मैं बाहर आने के बाद मैं मेरे माँ को मिल रहा हूँ, जो उसको 15 दिन से मिस कर रहा था, जिसके लिए मैं आना चाहता था बाहर, उसको मिला, मेरे बेटे को मिला और मेरे वाइफ को मिला, सबको मिला, बस खुश है। तो अंदर क्या लगता है आपको, गरबा के लिए डिस्को करे क्या करे, अंदर यही चलेगा। सुबह उठ के 12-13 जन का वही शक्ल बिना मेकअप का देखने का है, वही देखने का है, वही चाय वाला लफड़ा, वही रोटी का झगड़ा, तो फिर आदमी करे क्या अंदर, यही करेगा और क्या करेगा। हाँ, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को टाइफाइड हो गया था, और टाइफाइड की वजह से वायरल इन्फेक्शन हो गया था, काफ़ी लोगों को हो गया था, जिसकी वजह से मेरा भी वीकनेस बहुत हो गया था। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको आराम की ज़रूरत है, मेरा ब्लड टेस्ट हो गया था, 2-3 बार मुझे ब्लड टेस्ट किया था मेरा, और मुझे सांस लेने को तकलीफ बहुत हो रही थी, उसके लिए ECG करवाया था मेरा, तो मेरे टैबलेट्स दवाई सब चालू थी, इसके लिए मुझे आराम करने का था। और जब कुकड़ू को बचता है ना, तो कुकड़ू को वो नहीं देखता है कि कौन बीमार है, तब ना आपको माइक पे बोला जाता है कि बिग बॉस मुझे डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, तो मुझे सोने दीजिए, तो उनके पास वो डॉक्टर बोल के जाते हैं। मगर जब कुकड़ू बचता है ना, वो सबके लिए बचता है सुबह। हाँ, तो आपने ये देखा होगा, उनके साथ मैं भी था, मगर ये रियलिटी क्या होता है, 24 घंटे में 1 घंटा दिखाते ना, 24 घंटे के अंदर 24 घंटा क्या हो रहा है वो नहीं दिखता है पब्लिक को। इधर सारे के सारे सही है, उसे झगड़ा नहीं बोलते, वो खेल है, एक टास्क के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा हो गया है, तो उसके वजह से वो हो गया है वो। बाकी आज भी असीम बाकी सारे सिद्धार्थ बीमार गिरने का सब अपसेट है, उसके लिए अभी कल उसका बर्थडे था, तो सब ने केक बनाया, उसको विश किया, तो एक कहीं ना कहीं प्यार भी है ना ये। तो लोग सिर्फ झगड़े देखते, बुराई देखते, गलती देखते, प्यार क्यों नहीं देखते। पहला तो ग्रुप तो कुछ नहीं है, ग्रुप कुछ नहीं, आधा घंटे के बाद कौन किधर रहेगा ये पता नहीं होता है वहाँ पे, तो ग्रुप का तो बात ही छोड़ दो। आज जो चल रहा है ना कि पारस का ग्रुप अलग है, सिद्धार्थ का ग्रुप अलग है, विशाल का ग्रुप अलग हो गया, रश्मि का अलग हो गया, ये कुछ ग्रुप भी नहीं है, सब एक मालिक के मनी है, समझा, कुछ नहीं है ऐसा, सब एक ही है, और उसका सब बटन किसके पास है, वो बिग बॉस के पास है। फिर वो बिग बॉस जब टास्क देता है ना, और जब आप बोलते हैं ना कि आसिम के ग्रुप में एक पकड़ के चलो आरती है, सना है और 3-4 जन है, तब उधर बिग बॉस क्या बोलता है, अभी आसिम के ग्रुप में सिद्धार्थ है, मायरा है, तो ये सब ठहराने वाला बिग बॉस है। आपकी जहाँ पे सोच खत्म होती है, वहाँ पे बिग बॉस की सोच चालू होती है, तो इसके लिए वो अपन जज कर ही नहीं सकते। उधर वो कुछ भी कर सकता है, अंदर जो बेटा है ना बहुत खतरनाक है वो। आपको उसकी गलती दिखी ना, मगर वो 10 दिन जब मैं बीमार था, तो 10 दिन उसने मेरे को टाइम पे बराबर 3 टाइम दवाई दी, वो किसी ने नहीं देखा मेरे को। 3 टाइम उसने बराबर, जब मेरे को खाने का टाइम था तो खाना ला के दिया, वो किसी ने नहीं देखा। बस क्या होता है, बस आदमी कितना भी अच्छा ही करे, साला एक गलती कर दिया ना, बस खत्म। लोग यही चाहते कि साला चलो इसका बुराई करो, ऐसा नहीं है, इंसान मजबूरी से गलत बनता है, वो जानबूझ के नहीं करते। आया विकास गुप्ता, हाँ नहीं वो तो क्या है मालूम है, नया नया ड्राइवर ज्यादा हॉर्न बजाता है, मालूम है ना, नया नया ड्राइवर ज्यादा हॉर्न बजाता है, पीछे क्या लिखा रहता है L, तो वैसे तो नया ड्राइवर है, 4-5 दिन हॉर्न बजाएगा, उसके बाद इन लोग उसका हॉर्न निकाल लेगा, बहुत कमी नहीं सबके सब अंदर।
पहला मैं उसको निकलता बिग बॉस को बाहर कि जा आराम कर थोड़े दिन, भी इंतजार करती होगी बेचारे की, 24 घंटा बेचारा रहता है उधर। नहीं उसका वो मुर्गा है ना कुकड़ू को, उसको निकलता बाहर, बचता ही नहीं ना सुबह इसके लिए। क्या है मालूम है, किसी के पर्सनल लाइफ में उनके साथ क्या बीत रही है ना उनको ही मालूम है ना। अपन जाके उसमें एक तो कांडी लगा सकते हैं, नहीं तो मरहम लगा सकते हैं। तो आपके दोनों के दोनों चॉइस आपके ऊपर रहता है। तो मैं सोचता है कि ये दोनों चीज़ दूर रख के जो उनका जो चल रहा है उनको सॉल्व करना वही अच्छा है। अपन बीच में जाके वो क्यों मन में अच्छा किया ना, तो बोलते ऊपर वाले के शुक्र से हो गया, और जरा बुरा हो गया तो फिर तो जिंदगी आपकी और खाने वाले आठ। दोनों भी कैरेक्टर अलग है, कैसा बताता हूँ। वो YouTube पे जो कैरेक्टर है ना, वो ना उनको बोलता है जो मेरे देश के खिलाफ बात करता है, मेरे देश के लोगों के खिलाफ बात करता है, मेरा तिरंगा जो जलाते ना उनको, उनको ना उनके तरीके से मैं तरीका बता देता है, बराबर है। इधर जो है ना ये घर था, जैसा मेरे घर में मेरी बहन बेटी माँ बीवी है ना, वैसे वो घर में भी यही देखा कि वही है। तो बहन बेटी की इज्जत करना सीखो, तो वो दिखाया मैं उधर। मैं भाई बहन बेटी की इज्जत करता है हिंदुस्तानी भाऊ, ये वो 10% जो घर में बैठ के बर्गर और पेप्सी पीते हैं ना उनको बताया कि भाऊ गलत नहीं है, जब ज़रूरत है तभी गाली देता है, पूरा टाइम नहीं देते बैठता है। मेरे क्या मेरे पास क्या पोटला भर के रखीला नहीं हो, जब देखा निकालो नया नया। सबका प्यार लेके जा रहा हूँ, जो नए रिश्ते बने ना, जो कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं थे कि ये रिश्तों के रिश्ते कभी बनेंगे, वो प्यार लेके जा रहा हूँ, और वो ज़िंदगी भर रहेंगे वो साथ में। बस जय हिंद दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी भाऊ, आप मुझे देख रहे इस पे, समझा इस पे।